दोस्तों सतोशी कोर की लॉन्चिंग अपडेट आई हुई है, फिर से लॉन्चिंग अपडेट क्या है, ये कब लॉन्च करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, रियल है कि फेक है, इन सब के बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक और मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि कल है जनवरी 1 तारीख 2023 का, ठीक है दोस्तों, जो 2023 है 1 जनवरी को, तो ये वाले जो माइनिंग हो रहे हैं ये स्टॉप हो जाएंगे और रियल वाले एयरड्रॉप इसमें अपने सतोशी कोर में आ जाएंगे दोस्तों। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में इसी में बात करने वाले हैं कि इसकी लॉन्चिंग की रियल है कि फेक न्यूज़ है, क्या है, जैसे पाई के साथ किया तो वैसा ही तो नहीं है, इन सब के बारे में हम इसी वीडियो में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। तो अगर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहो और सोनू क्रिप्टो चैनल के साथ जुड़े रहो, इसमें हम रियल वाले अपडेट लाते रहते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले ये बात, इसमें जो आपको दिख रहे हैं ये वाले एयरड्रॉप जो प्रोजेक्ट आए हुए थे दोस्तों, ये वाले जब टेस्टिंग वाले थे, इस सब के है कि माइनिंग अभी ख़त्म होने वाली है टेस्टिंग वाले की, क्योंकि इनकी टेस्ट हो चुकी है और जनवरी 1 तारीख को न्यू वाले एयरड्रॉप आएंगे, जो रियल वाले आएंगे। तो उसको कैसे हमको पार्टिसिपेट करना, उस सब के बारे में मैं इसी वीडियो में पूरा कम्प्लीटली आपको एक नए वीडियो बना के उसमें बता दूंगा कम्प्लीटली, ठीक है। और इसकी मेन अपडेट ये आई हुई है कि इसकी लॉन्चिंग के बारे में, अभी तक इसका कुछ मैनेटी लॉन्च नहीं हुआ बट फिर भी इसकी लॉन्चिंग की बात आई हुई है दोस्तों। ये लॉन्चिंग की बात किधर आई हुई है, फिर से अपने प्यारे दुलारे हूबी ग्लोबल पे, आपको इधर डायरेक्टली लेके जाता हूँ इनकी अनाउंसमेंट में दोस्तों। इनके अनाउंसमेंट में ही डायरेक्टली आपको लेके आ गया हूँ और इधर आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। मुझे हंसी आ रही है एक साइड से, क्यों मालूम है, जैसे पीआई नेटवर्क के साथ हुआ है वैसे ही अभी इसके साथ भी करने का सोच रहे हैं। आप इधर देख सकते हो, अनाउंसमेंट फ्रॉम कम्युनिटी ऑन द पोटेंशियल मैनेट लॉन्च ऑफ कोर डाओ। अभी देखो, जैसे बोलते हैं ना, 100 लोहार की और 1 सोनार की, तो जैसे ही ये कहावत इस पर फिट बैठती है हूबी ग्लोबल पे, ठीक है। तो एक खुद के पैसे बनाने के लिए इधर इन्होंने क्या लिखा, अनाउंसमेंट फ्रॉम कम्युनिटी ऑन द पोटेंशियल मैनेट लॉन्च ऑफ कोर डाओ। ये वही कोर जो माइनिंग कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो इसकी ये क्या बोल रहे हैं, इधर नीचे ही आप डायरेक्ट देख लो, इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि इन द ऑफिशियल और डेवलपिंग द सतोशी प्लस इकोसिस्टम बिल्डिंग वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बिटकॉइंस POW, इनकी वेबसाइट है कोर डाओ की। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम इस पर नज़र रख रहे हैं, सेम टू सेम जो पीआई नेटवर्क के टाइम पे बोला हुआ था वैसे ही ये हूबी ग्लोबल वाले इस पर भी बोल रहे हैं, हम नज़र रख रहे हैं मेन नेट लॉन्च होने तक, और उसके बाद हम लॉन्च करेंगे इसको, लिस्टिंग करेंगे करके, ठीक है। तो पीआई नेटवर्क का इन्होंने क्या किया था आप सबको पता है, अभी कोर डाओ की बारी है। दोस्तों इससे सबसे है कि नुकसान किसका है, हम जैसे माइनर्स का, क्योंकि हाइप यार जब कब होती है, जब न्यू लिस्टिंग होती है तब हाइप होती है, बार बार 10 बार लिस्टिंग करोगे सेम कॉइन को तो हाइप थोड़ी होगी। तो इसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है, पहला तो उठा रहा है फ़ायदा सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले फ़ायदा कौन उठा रहा है, हूबी ग्लोबल वाले, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ों में फ़ायदा कौन उठाते हैं, पहले तो अपने एक्सचेंज वाले, और दूसरे कौन उठाते हैं, दूसरे वो उठाते हैं जो इन सब खेलों में शामिल रहते हैं। अभी देखो ये पीआई का है, पीआई का देखो प्राइस देख लो, $300 तक गया भाई, $300, कुछ कम है क्या, वो भी 2 दिन में 100x से ऊपर, 10x तो है ही। ये देख लो 0.01 से स्टार्ट होके $345 गया है, ये पीआई का है, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। हूबी ग्लोबल ने भी तभी ऐसे ही बोला था सतोशी पीआई के बारे में, और सीधा लॉन्च कर दिया, और पीआई वाले हाथ धर के बैठे कि हमने तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है, बट एक्शन कुछ नहीं है। एक के बाद एक लिस्टिंग हो रही है पीआई की, हो रही है ना, कुछ कर लिया पीआई नेटवर्क वालों ने, कुछ नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं पाए, करना नहीं चाहते। तो वैसे ही अभी सतोशी कोर की भी सेम हो रही है, तो रीज़न ये कि यार उनके पास फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री वाले तो हम माइनर्स हैं, अभी हम माइनर्स को तो कुछ हाइप आगे जाके मिलेगी नहीं ऐसी अगर लिस्टिंग होती रहेगी तो। और फिलहाल में तो सतोशी कोर की कुछ अपडेट आई नहीं हुई है, इनके हम ट्विटर अकाउंट में चले जाते हैं सतोशी के डायरेक्टली। लो दोस्तों आ गए हम सतोशी कोर के ट्विटर में डायरेक्ट, ये इनका ही अकाउंट है रियल वाला, राइट। और इसमें अभी तक कुछ अपडेट दी नहीं है, जैसे हूबी ग्लोबल बोल रहा है कि हम नज़र रख रहे हैं और जल्दी से जल्दी लॉन्च करेंगे, या फिर कुछ भी भाई मैनेट लॉन्च करने की न्यूज़ कुछ भी, इधर तक सतोशी ग्लोबल वालों ने अभी तक, सतोशी कोर वालों ने कुछ भी, कोर डाओ वालों ने कुछ भी अभी तक कुछ भी ट्वीट उसके बारे में किया ही नहीं है, उन्होंने तो December 20 के बाद कुछ ट्वीट ही नहीं किया पहली बात तो, ठीक है। तो अभी हूबी ग्लोबल जैसे और ऐसे 4-5 एक्सचेंज है जो अपनी मर्जी से अपने साइड सबको अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट का नाम खींच रही है, फर्स्ट ऑफ थिंग। और साथ में है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे पीआई,
पिया है कि कुछ एक्शन लेता तो मतलब हम भी मानते हाँ भाई सही कर रहा है, उन पर भाई कुछ लीगल एक्शन लिया, उन एक्शन जो उस पर या जिसने लिस्ट किया उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। अभी कोर्ट डाओ क्या करता है वो देखना है, क्योंकि ये भी अगर लिस्ट हो गया हो भी ग्लोबल पे तो फिर, और इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया तो फिर माइनर्स का सब है कि माइनिंग पे विश्वास उठ जाएगा। देख मैं है कि पाई और सतोशी को दोनों कम्युनिटी से बहुत जुड़ा हूँ, मेरे वीडियो सुन के ऊपर ही आई हुई है स्टार्टिंग से, मैं फुल सपोर्टिव, बट ऐसा करोगे तो सपोर्टिव नहीं रहेगा। अभी होबी ग्लोबल जैसे एक्शन जैसे हरकतें कर रही है उसके वजह से मतलब यार जो माइनर्स हैं उनको है कि आगे जाकर कुछ उसका प्राइज नहीं मिलने वाला, राइट। और हम आगे चलते हैं कि कोर्ट डाओ में आपको कैसे स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि जनवरी 1 से कोर्ट डाओ में जो एयरड्रॉप रियल वाले आने वाले हैं उसके लिए आपको हैश पावर स्पीड चाहिए, तो वो कैसे बढ़ानी है उसके बारे में डायरेक्ट। तो दोस्तों आगे हम सतोशी कोर के इधर ऐप में ही, तो इधर कैसा रहेगा ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से। इधर देखो प्रोजेक्ट में हम क्लिक करते ही हैश पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, इधर टेस्टिंग ए का था तो इधर क्लेम हैश का इधर सिंबल दिख रहा था, राइट। इस पर हम क्लिक करते ही इधर क्लेम हैश कर सकते थे हर टाइम, तो वैसे ही इसमें भी आगे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं मतलब जनवरी 1 से रियल वाले, क्योंकि इन्होंने अनाउंस क्या किया था कि क्रिसमस की वजह छुट्टियों की वजह से आगे डाला था, तो जनवरी 1 से जब रियल वाले आएंगे तो हमको हैश पावर इधर भी ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही है इसमें हैश पावर बढ़ाने का, और दूसरा रहेगा अपने टीम मेंबर जोड़ते जाओ तो शायद हैश पावर बढ़ सकती है, इसका आइडिया कुछ है नहीं और हो भी सकता है करके, राइट। तो ऐसे ही ऐसे क्लेम करने का रहेगा, शायद कैसा रहेगा इसके बारे में कंप्लीट में है कि इसका एयरड्रॉप के न्यू वाले एयरड्रॉप आते ही जनवरी 1 या 1 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं, तो करते ही आप सबको मैं फटक से वीडियो बना के या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में श्योर शॉट दे दूंगा उसकी अपडेट, तो श्योर शॉट मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, और माइनिंग करते रहो दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, भले $300 हमको नहीं मिले बट एटलीस्ट $1-2 तो मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।